सीएम साहब कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और मंच के सामने उपस्थित सभी क्रिकेट के प्रेमी भाई और बहनों, सबसे पहले तो इस बोर्ड का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, और मैं क्षमा चाहूंगा विलंब के लिए। शायद कई घंटे विलंब से हमारा यहां पर आना हुआ, आप लोगों को इंतजार करने में कठिनाई हुई, और आज क्रिकेट करने से ऐसा लोकप्रिय ये खेल है कि शहर से लेकर गांव तक ये खेल लोकप्रिय है, सभी क्रिकेट के दीवाने हैं, खाना पीना तक लोग छोड़ देते हैं। बच्चे आज गांव में, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, तो गांव में लकड़ी का अपना बैट बना लेते हैं और खेलते हैं, तो ऐसा ये लोकप्रिय ये खेल है। और आज जब से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर खेलों पर काफी उनका मोटिवेशन मिला है, और इसलिए आप सबको मालूम है कि पहले खेलों में हम लोग मुश्किल से मेडल जीत पाते थे, लेकिन आज मेडल जीतने की संख्या सैकड़ों में हो गई। ये इस बात का प्रमाण है कि जैसे मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी तरह से खेल पर भी उनकी बड़ी चिंता होती है, और ये सब लोग आप महसूस कर रहे हैं कि आज खेल में हमारा ये देश बहुत आगे है। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम के माध्यम से हमारा गांव का खेल जगत का टैलेंट भी आज उभर कर सामने आ रहा है। आज मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के नाम से यहां से क्रिकेट की टीम तैयार हो रही है, जो कि पहली बार हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ वैसे तो कई क्षेत्रों में आगे है, धान का कटोरा है, हजारों किस्म का यहां पर धान होता है, खनिज संपदा से भरपूर है, वनोपज से भरपूर है, लेकिन खेल के जगत में भी और क्रिकेट के जगत में आप लोग छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के नाते बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और हमको लगता है कि रायपुर के अंदर में जो क्रिकेट का स्टेडियम बना है, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, और शायद इंडिया में इंडिया का थर्ड अच्छा मतलब तीसरा अच्छा ये स्टेडियम है, और इसमें कई हमारे मतलब अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर खेल चुके हैं। तो आज छत्तीसगढ़ के बाहर के जो मेहमान हैं, उनका माता कौशल्या की धरती भगवान राम के ननिहाल में बहुत बहुत उनको स्वागत करते हैं, और आप सब लोग हमारी छत्तीसगढ़ की इस टीम को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो रहे हैं क्रिकेट के जगत में, हमारा छत्तीसगढ़ खूब नाम कमाए, इसी उम्मीद के साथ फिर से इस सोच के लिए जिन्होंने भी ये सोचा और क्रिकेट की टीम क्रिकेट छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के नाम से इसका आयोजन देहरादून में होने वाला है 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक, इसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीएम विष्णुदेव साय।
जो रायपुर में